अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं शेफ मुस्फिरा खान दिल्ली मराबा चैनल से आज आपके लिए लेकर आई हूँ आलू के कबाब। आलू के कबाब के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 1 किलो आलू, उसको बॉईल करके मैंने मैश कर लिया है। 1 बड़ी साइज़ की प्याज जो चॉप कर ली है, 4 अदद हरी मिर्चें, 2 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, हसबे जायका नमक, 1/2 कप हरा धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, ऑयल हसबे ज़रूरत, अंडा हसबे ज़रूरत। अब हम चलते हैं पकाने की तरफ। सबसे पहले हमने ये आलू लिया है। आलू में ये जो जितनी भी चीज़ें हैं हम इसको ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मैंने हरी मिर्चें लिए हैं, कुटी हुई मिर्चें लिए हैं। अगर आपको स्पाइसी नहीं पसंद तो आप हरी मिर्चें नहीं लें, और आपको अगर स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें कुटी हुई मिर्चें या हरी मिर्चें और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। मैंने ये सारे मिक्स कर चुकी हूँ आलू के कबाब। अब मैं दूसरे चूल्हे पे जो है अब ऑयल गरम करने रखूँगी। ये मैंने ऑयल रख दिया है। अगर हम अंडा बनाते हैं, कबाब बनाते हैं, तो जब तक हमारा ऑयल गरम नहीं होता ना, अगर हमारा ऑयल गरम नहीं होगा तो कबाब या अंडा जो भी होगा वो नीचे चिपक जाएगा। तो जब तक ये ऑयल हल्का सा गर्म होता है हम कबाब रेडी कर लेते हैं। आपसे एक चीज़ शेयर करूँगी, ये कबाब आप देख रहे हैं इसमें पानी नहीं छोड़ रहा, तो आप जब भी अपने आलू बॉईल करें उनको पानी में ठंडा मत करें। किसी में तशने में या किसी देगची वगैरह में हवा में ठंडा करें, फिर ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसको मैश कर दें। इससे आपका आलू पानी नहीं छोड़ेगा। मैंने एक ड्रॉप अंडे का डाला है तो वो पकना शुरू हो गया, यानी हमारा ऑयल जैसा हमें चाहिए वैसा हो चुका है। अब हम इसमें कबाब ऐड करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट में हम इसको पलटेंगे, हल्की आंच पर हम इसको पकने देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट में। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।